भाई एज यूजुअल पहले भी रिफाइंड था, अब भी रिफाइंड है। छोटी छोटी चीजें मेरे को थोड़ी सी खराब लगी, जैसे एक MGP का रस्ट मैच आता है, बस थोड़ा सा उनको स्प्रे मारना था, उसके उन्होंने 80-90 रुपए जोड़े हुए थे। 500 रुपए का जो बेसिकली मोटा मोटा अंतर आया है उससे ये भाई आपकी कार का जो इंजन है वो और भी ज्यादा रिफाइंड हो गया है। अभी गाड़ी चली 25,000, इसकी लाइफ बच रही है अभी भाई 15,000 से 20,000 और बच रहे हैं। वहाँ पे भाई कुछ होता नहीं है, गाड़ी का तेल वेल बदल के दे देते हैं, लिफ्ट पे लगाते नहीं गाड़ी को, तो कैलिपर ग्रीसिंग वगैरह हुई है, ब्रेक पैड वगैरह क्लीन हुए हैं, ब्रेक शू भी क्लीन हुए हैं, इसके टायर रोटेशन वगैरह सारा काम हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। अभी तो खैर कार में ड्राइव कर रहा हूँ अपनी, और ये है अपनी WagonR LXI CNG। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, या जो नहीं भी जुड़े, मैं आपको बताया तो सिंपल सा, ये है आपकी अगस्त 2022 का वेरिएंट, BS6 Phase 1 है। बाकी इंजन की बात करें, वही सेम है जो आपका अभी आ रहा है, ड्यूअल जेट, जिसके अंदर आपके 2 इंजेक्टर्स है पर सिलेंडर। अब बात करते हैं भाई आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक के बारे में। टाइटल देख के आपने पता कर ही लिया होगा, जो कि हमारी आज की सर्विस के बारे में वीडियो है, सर्विस एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी का। इसकी हमने कराई है भाई 30,000 PMS वाली सर्विस। बट मेरा एक्चुअल में क्या, मेरा शेड्यूल है थोड़ा सा डिफरेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारी कार चली है लगभग 23,674 किलोमीटर, ये आप लोग देख सकते हैं, फोकस कर देता हूँ मैं, 23,674 किलोमीटर। क्या दिक्कत है, तो रीडिंग आपने देख ली ऑड होगी। ये कार की मैंने 30,000 PMS की सर्विस कराई है, बट मेरा जो इंटरवल रहता है वो रहता है भाई 7,000 किलोमीटर का। तो मैं ऐसी दो बार तो मैंने करे 7,000, यानी 7,000 पे, फिर 14,000 पे, उसके बाद फिर अब हुई थी इसकी 23,000 पे, तो वही लगभग इस बार मैंने 9,000 चला दी, 8,500-9,000। इसके अंदर क्या कुछ डला है, क्या क्या पार्ट्स कंज्यूमेबल थे, और क्या लेबर लगी है हमारी, और क्या क्या काम हुआ है हमारी कार के अंदर, जैसे कि हमारी कार में अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुई है, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब एक काम करते हैं, पहले कार को एक शांत सी जगह पे खड़ा करते हैं, और उसके बाद सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कैसी कुछ कार के अंदर वॉशिंग वगैरह हुई थी, और भी अन्य जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको एक एक करके बताता हूँ। तो भाइयों, गाड़ी आ चुकी है अपनी सर्विस होके। पहले आपको दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी लग रही है, एक बार एक्सटीरियर प्रोफाइल देखो गाड़ी की, काफ़ी क्लीन हो गई। वैसे ही मेरी गाड़ी काफ़ी क्लीन रहती है, लेकिन हाँ, पॉलिशिंग वगैरह होके ठीक ठाक हो गई है। पॉलिशिंग से ये है कि भाई कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी गाड़ी ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है। टायर्स वगैरह देख लो, टायर ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करी है, बट ये है कि लगभग मेरे को लगता है 1 या 1.5 दिन बाद अगर आप कार को कवर नहीं करोगे भाई, धूल मिट्टी वगैरह अच्छे से चिपकेगी इसके ऊपर और गाड़ी फिर से वैसी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिश जो होती है भाई वो डस्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खैर, गाड़ी की एक्सटीरियर आपने देख लिया, अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ। भाई इन्होंने इतना तक नहीं सोचा भाई चाबी पे क्यों ना है, चाबी पे भी पॉलिशिंग कर दी, चलो कोई बात नहीं। अंदर की तरफ से देख लो भाई, कुछ ये प्रोफाइल है, ये यूज़ मत करना भाई, हमेशा सीट बेल्ट को लगाना चाहिए, तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा घर से निकला था ना, तो वैसे ही लगा ली थी, देख सकते हो आप लोग। तो डैशबोर्ड वगैरह प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है, एक बार और क्लियर तरीके से मैं आपको दिखा दूँ। सर्विसिंग के बाद जो बात है भाई, गाड़ी अंदर से भी बाहर से भी भाई स्मूथ सी हो जाती है। पीछे से देखें, ये देखो मैट्स वगैरह प्रॉपर एकदम ज़बरदस्त क्लीन हो रखे हैं। वैसे पीछे कोई बैठता नहीं है मेरी कार के अंदर, बट हाँ फिर भी अच्छी खासी हमारी गाड़ी क्लीन हो चुकी है। एनीवेज, ये तो हो गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर मैंने इंजन ऑयल कौन सा डलवाया है, एक बार इसी के साथ हम इसके बोनट को और बूट को भी देख लेते हैं। ये देखो एज यूजुअल भाई, बूट पहले भी क्लीन था, अब भी क्लीन है, थोड़ा बहुत उन्होंने काम करा है, ठीक है। अब इसके बोनट को ओपन कर लेते भाई, बूट तो मैंने ओपन कर लिया था। तो बोनट की आप लोग एक बार कंडीशन देख लो कुछ इस प्रकार की है, इसको एक बार फिक्स कर लेते फिर बात करते हैं बाकी की आपसे, ठीक है जी। तो ये है हमारे इंजन बे की कंडीशन, और डस्ट एंड डर्ट भाई पूरी ऑलमोस्ट 99% हट चुकी है। 19-20 मेरे को थोड़ी सी जो चीज़ ख़राब लगी, मैंने कहा भी था, मेंशन करा था कि ये देखो ये डर्ट है, इसको हटाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं हटाया, क्योंकि यार वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। कोई बात नहीं, चलो उसके बाद बात करते हैं इधर की तरफ। तो देख सकते हो काफ़ी नीट एंड क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा पानी के जो स्पॉट्स हैं अभी यहाँ पे हैं, इनको मैं वाइप ऑफ कर दूंगा, क्योंकि यार देखो कभी भी कार के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सील्ड है, बट हाँ इसको आप हटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे इंजन की जो हीट है उससे भी सूख जाएगा। अब बात करते हैं इंजन ऑयल की, इसके अंदर डला है आपका 5W30 कैस्ट्रोल का मैग्नेटिक।
और वो आपका वैसे नहीं था कि मतलब प्रॉपर कैन लेके आए थे, वो बैरल में से उन्होंने यूज़ करा था, और इतना सही सिस्टम लगा मेरे को कि यार वहाँ से ना वो कंप्यूटराइज सिस्टम है कि वो कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, जैसे कार की डिटेल है, जॉब कार्ड बना था, डिटेल उसकी फीड हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर के अंदर उनको पता था कि इसके अंदर ये वाला ऑयल डलेगा, सेमी सिंथेटिक है, जो भी है सिंथेटिक है जन सेमी सिंथेटिक है, वो उन्होंने वहाँ पर फीड करा। वहाँ से भाई जो बे थी ना जो कार की, जहाँ पर मतलब कार सर्विसिंग हो रही थी, जहाँ कार लिफ्ट ऑफ हो रखी थी, वहाँ पर एक नोजल टाइप था, उस नोजल के अंदर एक्यूरेट उसी अमाउंट के अंदर ऑयल आ गया कार के अंदर, उसने भाई बंदे ने फिल कर दिया, 3 लीटर ऑयल आता है जो आपका K10C जो 1000 cc का मारुति का इंजन है, बात करें जो आपका 1.2 आता है 1200 cc वाला, उसके अंदर आपका आई गेस 3.2-3.3 आता है। तो ये तो भाई ऐसा था, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बेस्ट लगी भाई, ये बहुत मैंने नई और यूनिक चीज़ देखी, फर्स्ट टाइम देखी है। उसके बाद बात करें इसके अंदर एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर हमारा 4000 किलोमीटर पहले ही मैंने रिप्लेस करा लिया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा उस समय फील दिक्कत लग रही थी, क्योंकि जो इसकी 10,000 वाली सर्विस थी उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, उस समय ही इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ था, फिर जो 20,000 वाली थी उस पर चेंज नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा इस बार इसको चेंज नहीं कराएंगे, इसको इस बार वॉश करके ही हमने, जो बेसिकली एयर वगैरह ड्राई मारते हैं उससे ही काम चल गया। उसके बाद बात करते हैं ऑयल, मैंने आपको बता दिया 5W30 डला है, पहले इसके अंदर था सेमी जो आपका 0W20 ईसी स्टार का आता है मारुति सुजुकी का, यार वो ऑयल ना मतलब पता है क्या, वो ऑयल ज़्यादा पतला है, क्योंकि देखो ये 5 है इसका जो फ्रंट वाला जो फर्स्ट वाला लेटर है, और उसका जो फर्स्ट वाला है वो 0 है, वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला है। तो एक बार मैं आपको कार को स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ कार के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया है। भाई एज यूजुअल पहले भी रिफाइंड था, अब भी रिफाइंड है, अब CNG पे कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इंजन रिफाइनमेंट में अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो पर्सनली भाई गाड़ी और ज़्यादा तरीके से परफॉर्म कर रही है, और अच्छा अप्रोक्सीमेटली 10-15% और ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इसकी परफॉर्मेंस में। बंद कर देते हैं गाड़ी को, फिर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइलेंस ही होनी चाहिए, वैसे रिफाइंड बहुत है पर फिर भी और साइलेंस होनी चाहिए। तो गाड़ी जो है भाई अपनी पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, हाई RPMs पे ज़्यादा शोर नहीं मचा रही, ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी इस इंजन ऑयल की। साथ ही साथ भाई जो 0W20 था ना, वो मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं था, मतलब वो ओवर द टाइम, मतलब उसका ना डिग्रेडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब भाई वही है, जैसा दाम वैसा काम। वो इंजन ऑयल आपका टोटल कुल जो 3 लीटर है इसका, वो भाई 1100 रुपये का पड़ता था विदाउट टैक्स, और जो ये सेमी सिंथेटिक वाला है जो कैस्ट्रोल का डला है अभी, ये आपका पड़ा है मेरे को भाई 1600 रुपये विद टैक्स, 500 रुपये का जो बेसिकली मोटा मोटा अंतर आया है, उससे ये भाई आपकी कार का जो इंजन है वो और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, और आइडल पे कम वाइब्रेशंस हो रही है, थ्रोटल बॉडी क्लीन भी हुई है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब जान पहचान तो क्या थी, वही मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं वैसे जनरली TCS पे कराता हूँ, इस बार मैंने कराई है विपुल मोटर्स पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी जान पहचान थी, बातचीत करके वहाँ पे उनसे मैंने कहा कि भाई जो मैकेनिक थे हमारे, उनसे मैंने कहा भाई ये काम होना है, तो उन्होंने कहा आप अगर मेरे से कराना चाहो थोड़ा बहुत मेरे को 100-200 रुपये ऊपर दे देना, मैंने उनको दे दिए थे भाई। तो उन्होंने भाई ने इसके अंदर भाई थ्रोटल बॉडी क्लीन कर दी थी, जो कि कंपनी वाले सिर्फ स्प्रे मारने के इसके चार्ज करते हुए अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपये, तो वो मेरे को थोड़ा हायर साइड पे लगे, भाई को मैंने थोड़े से पैसे दे दिए। और उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट चीज़ की, वो है भाई इसके अंदर जो इसका EGR है, EGR वॉल्व होता है इस कार के अंदर, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो कि आपका जो K10C जो नए वाले अपडेटेड वाले इंजन है इसके अंदर आया था, उससे क्या है कि आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर फ्यूल बचता है उसको वो रिसर्कुलेट करके इंजन के अंदर आपकी एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है जी। EGR क्लीनिंग हुई, उसके अंदर भी ज़्यादा की प्रोसीजर नहीं था भाई, कंपनी उसके भी बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, मतलब EGR क्लीनिंग के कंपनी लगभग भाई मुझे लगता है 800 रुपये भाई उसी के भी चार्ज कर लेती है। तो वो भी भाई ने बस ये करा, ओपन करा उसको, उसके अंदर भी कार्बन जम रहा था, स्प्रे वगैरह मारा, वो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की हम बात करें भाई, इसके अंदर आपका जो ब्रेक पैड्स है फ्रंट के, वो आपके क्लीन हुए हैं। ब्रेक पैड्स की अगर मैं बताऊं, अभी गाड़ी चली 25,000, इसकी लाइफ बच रही है अभी भाई 15-20,000 और बच रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सही लगी। बट हाँ, थोड़े से और ज़्यादा चलने चाहिए थे ये, चाहे मेरी कमी लगा लो या कुछ भी लगा लो, मैंने थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग करी है, तो थोड़े से और ज़्यादा चलने चाहिए थे ये, मतलब मेरे हिसाब से जो अभी उन्होंने 15-20,000 बोला वो 20-25,000 होना चाहिए था। तो अब हम और लाइट फुट ब्रेकिंग करेंगे। बात करें इसके अंदर जो आपकी कैलिपर पिन होती है, गड्ढे में गाड़ी जा रही थी तो फ्रंट से मेरे को कट 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 कुछ इस टाइप की आवाज़ आ रही थी, टक टक कहते हैं बेसिकली जिसको भाई, वो चीज़ भी अब बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसके अंदर ना आपकी कैलिपर पिन होती है, मैं फोटो शेयर कर दूंगा आपके साथ, वो कैलिपर पिन के अंदर भाई ने ग्रीसिंग भी कर दी थी, वो चीज़ भी मेरे को बढ़िया लगी। बात करें जो आपके रियर वाले ड्रम ब्रेक्स हैं, जो आपके हैंड ब्रेक होती है उसके जो होल्ड करने वाले पीछे के ब्रेक शूज़ होते हैं, यहाँ होते हैं, उसकी भी फोटोज़ मैं लगा दूंगा,
वो भी आपके भाई क्लीन हो चुके हैं, वो भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से ओपन करे भाई, वो 00 थे, मतलब 00 से मेरा मतलब है बिल्कुल ओके, उनके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं। वो भाई ने बोला भाई बहुत सही तरीके से आप यूज़ कर रहे हो हैंड ब्रेक वगैरह, क्योंकि मैं क्या करता हूँ भाई, जैसे ज़्यादा स्लोप होती है तो मैं मतलब नॉर्मल स्लोप है तो मैं 2 पॉइंट पे कर देता हूँ उसको, और अगर और ज़्यादा स्लोप होती है मैं 3 या मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा मैं खींचता नहीं उसको, तो इसलिए मेरे जो ब्रेक शॉप है उसमें वो कह रहे भाई बिल्कुल घिसे ही नहीं है, बिल्कुल घिसे ही नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक शू की क्लीनिंग होगी, टायर वगैरह प्रॉपर तरीके से, रिम्स वगैरह क्लीन हो चुके हैं, ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है। अंदर की तरफ हम बात करें, एक तो यार ये ना 30 सेकंड्स बाद ऑटोमेटिक कई बार लॉक भी हो जाती है, अगर आपकी चाबी लगी रहेगी तो लॉक नहीं होगी, अगर की अंदर है तो इसको सेंस हो जाएगा, ये देखो रिमाइंडर है, इसको सेंस हो जाएगा कि चाबी अंदर है तो ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ओपन करी फिर ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी 1 मिनट 30 सेकंड बाद जो भी है इसका। उसके बाद देख लो यहाँ से भी प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है इसकी, हर चीज़ अंदर से बाहर से अच्छे तरीके से क्लीनिंग करिए, क्लीनिंग में मेरे को भाई मज़ा आ गया, क्लीनिंग नो डाउट बहुत बढ़िया करिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई, इनको जनरली ना कोई साफ़ करता नहीं है भाई, मैंने बोला भी नहीं फिर भी कर दिया इनको, जो ये अपने सनशेड्स है ना, तो ये चीज़ भी सही लगी, इनके अंदर थोड़ी सी डस्ट एंड डर्ट वगैरह इकट्ठी हो रही थी। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करेंगे भाई, इसके अंदर जो आपका अगला काम हुआ है वो हुआ है भाई, इसके स्पार्क प्लग्स क्लीन हुए हैं, स्पार्क प्लग्स भाई ने ओपन करे थे और उनकी जो कंडीशन थी ना भाई बिल्कुल न्यू, कुछ बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है यार मैं इससे जब यार 8 किलो के अंदर मैंने इस गाड़ी को 310 किलोमीटर चला दिया, तो आप समझ सकते हो भाई मेरा ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, मतलब मैं काफ़ी स्मूथ तरीके से गाड़ी को चलाता हूँ, पिक वगैरह करता हूँ, 10 की स्पीड पे दूसरा गियर लगा देता हूँ, मैं ज़्यादा रेव नहीं करता गाड़ी को, बट हाँ जब भाई मन करता है तब मैं थोड़ा सा इसको खींच के चला लेता हूँ। उसके बाद बात करें भाई स्पार्क प्लग वगैरह जो क्लीन करे, उसके अंदर कुछ नहीं था, स्पार्क प्लग मतलब क्लीन करने की कंडीशन में थे ही नहीं भाई, बिल्कुल बढ़िया। और मारुति कंपनी ने क्या करा, जो ड्यूअल जेट वाली आपकी कार्स हैं उसके अंदर भाई आपके पतली पिन वाले जो इरिडियम वाले स्पार्क प्लग्स होते हैं वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो यार ये चीज़ मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी। हाँ ठीक है भाई, फ्यूचर में जाके इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, ये वाले स्पार्क प्लग्स आपके जो नॉर्मल है, जो बेसिकली जो चौड़ी पिन वाले आते हैं, जो सिंपल आपके फ्लैट वाले स्पार्क प्लग्स आते हैं, वो आपके भाई कंपनी के अंदर कॉस्ट करते हैं भाई 120-130 रुपये का एक पीस, ये वाला भी 700 रुपये का एक पीस है, तो कोई बात नहीं। उसका ये भी है फिर इसका जो चेंजिंग का इंटरवल है वो भी उनसे भाई कई गुना ज़्यादा है, ये आपके 1 लाख किलोमीटर पे चेंज होते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो स्पार्क प्लग मैंने बता दिया आपको, EGR बता दिया, थ्रोटल बॉडी बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद बात करते हैं अब इसके सस्पेंशन की, भाई सस्पेंशन का काम भी इसके अंदर हो चुका है, अब इसके अंदर कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो सस्पेंशन प्रॉपर ब्रांड न्यू आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, तो ठीक है सारी नॉइज़ वगैरह पीछे से भी हट गई, उसके अंदर डस्ट वगैरह चिपक रही थी, सारा कुछ मतलब उन्होंने कर दिया अब जो करना था, मैं ज़्यादा अब क्या बोलूँ, जो समझने वाले वो समझ गए होंगे, सारा काम इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हो चुका है। ऑयल फिल्टर डाला है इसके अंदर, कैबिन फिल्टर की हम बात करें, कैबिन फिल्टर भी इसका साफ़ सुथरा था, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस हुई थी ना इसकी, फर्स्ट फ्री सर्विस, मतलब बेसिकली जो हमारी फर्स्ट ऑयल चेंज की सर्विस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर ज़्यादा बढ़िया वाला डलवा दिया था, जो आपका एक कार्वन वाला PM2.5 आता है, स्क्रीन पर देख लेना भाई, वो मैंने अटैच कर दिया फोटो, वो वाला मैंने इसके अंदर ना उसी समय डलवा दिया था, तो वो क्या है उसकी लाइफ ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा थिक होता है, तो वो इतनी जल्दी से ख़राब भी नहीं होता, तो इसलिए इस बार उसको चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं, और सर्दियों का टाइम वैसे ही है, कोई मतलब उसके अंदर डर्ट वगैरह थी थोड़ी बहुत, उसको उन्होंने एयर वगैरह मार के वापस लगा दिया, तो वो भी अपना रियूजेबल कंडीशन में था। बात करें इसके ऑयल फिल्टर की, ऑयल फिल्टर जो है इस गाड़ी का भाई वो भी चेंज हुआ है, वो भाई बहुत सस्ता है, 80 रुपये का वो ऑयल फिल्टर है भाई, सही है। एक बार ना चलो मैं आपको पहले बिल ही दिखा दूँ, बिल आ चुका है मेरे पास, तो भाई बिल देख लो, बिल है आपके सामने, बिल की हम बात करें इसके अंदर, पहला आपका गैसकेट, जो आपका बेसिकली नीचे की तरफ ड्रेन प्लग होता है ना उसके साथ में आपका एक वॉशर होता है, उसको चेंज करा गया था, तो वो आपका बेसिकली भाई 7 रुपये आप देख सकते हो इसकी जो कॉस्टिंग है। ऑयल फिल्टर मैंने आपको बता दिया 80 रुपये की इसकी कॉस्टिंग है, पेपर फ्लोर मैट ये भी 3-4 रुपये, इंटीरियर प्रोटेक्शन कवर होता क्या है भाई, जो आपकी सीट्स है ना फ्रंट की टू, इनको कवर कर दिया जाता है प्लास्टिक के साथ, तो जैसे कि आपके जो मैकेनिक वगैरह वो अगर कार के अंदर आते हैं तो आपकी कार के सीट कवर्स वगैरह गंदे ना हो। स्क्रीन वॉश ये भाई 3 पीसेज इन्होंने जोड़े हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक ऑयल, इसके अंदर 5W30 डाला कैस्ट्रोल का, मैंने आपको बताया इसकी कॉस्टिंग है प्रॉपर भाई 527 रुपये लीटर आता है। अभी इसके ऊपर ना टैक्स देखो, अब कमाल की बात क्या, पहले भी 18% टैक्स है, उसके बाद में अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा ना वहाँ भी टैक्स जोड़ा हुआ अच्छा खासा, तो कोई बात नहीं, 1581 रुपये ये इसकी टोटल 3 लीटर की कॉस्ट है विदाउट टैक्स। तो टोटल जो हमारी अब हम लेबर की बात करें 30,000 PMS, 25,000 चली थी लेकिन मैं जैसे कि बताया मैं 8,000 पे सर्विस करा लेता हूँ, तो 8×3=24 वही है भाई 25,000 इसकी रीडिंग जो उन्होंने काउंट करी थी भाई सिस्टम के अंदर, 24,000 जा नहीं रही थी लेकिन उन्होंने 1,000 फालतू करके फिर सिस्टम के अंदर उन्होंने रीड कर लिया था, उसके बाद जो हमारी कार की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो गई थी। PMS 30,000 हम देख रहे हैं यहाँ पे भाई, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है 1930 रुपये।
मेरे को ये थोड़ी सी भाई हायर साइड पे लगी। अब 2000 रुपये की जो लेबर है भाई उसके अंदर, देखो वो तो चलो जो काम है मैंने बताया वो एक्स्ट्रा मैंने अंदर थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे तो वो उन्होंने मेरे कर दिए, लेकिन 1930 रुपये सिर्फ इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर के लिए भाई मेरे को नहीं लगता वर्थ है बिल्कुल भी। बस वारंटी का पंगा पड़ रहा है यार, 5 साल की जो इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली है ना उसको मेंटेन करने के लिए भाई थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है, वरना मैं कभी सर्विस कराऊँ ही ना अंदर। बट ये बाहर की तरफ अगर हम कराते हैं वहाँ पे भाई कुछ होता नहीं है, गाड़ी का तेल वेल बदल के दे देते हैं, लिफ्ट पे लगाते नहीं गाड़ी को, तो बाहर ऐसा कुछ काम होता नहीं। तो इसलिए सोचता हूँ 1000-1200 रुपये का मेन अंतर आएगा, तो बाहर कराने से अच्छा अंदर ही करा लो। अब बात कर लेते हैं, ये देख सकते हो आप, ये टोटल जो है अपना सब टोटल जो लेबर का ये 1930 रुपये था, इसके बाद 482 रुपये का डिस्काउंट हुआ था, तो भाई मतलब 1500 के आसपास ये लेबर हो गई थी, फिर 130 ये भाई आपका टैक्स लगा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट था भाई हमारी कार के अंदर अलाइनमेंट बैलेंसिंग का। मेरे को थोड़ा सा इशू लग रहा था, लगभग 80 की स्पीड पर जाने के बाद हमारी जो कार है वो थोड़ा बहुत मेरे को लगा माइनर सी बबलिंग वगैरह आ रही थी इसके अंदर, या फिर ये कह लो कि देखो स्टेयरिंग तो इसका वैसे रीसेंटर नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा अलाइनमेंट बैलेंसिंग के अंदर जो उसके एंगल्स वगैरह हैं कैम्बर कास्टर एंगल उनको एडजस्ट करके वो थोड़ा काफ़ी हद तक मतलब रिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैंने इसलिए भी कराना ठीक समझा क्योंकि लॉन्ग रूट पे जा रही है तो दिक्कत ना आए गाड़ी में, इसलिए हमने अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करा ली। तो इसके अंदर मेरा मोटा मोटा जो खर्चा आया था भाई अलाइनमेंट बैलेंसिंग का वो था आपका 1100-1200 रुपये के आसपास। छोटी छोटी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगी, जैसे एक MGB का रस्ट मैच आता है बस थोड़ा सा उनको स्प्रे मारना था, उसके उन्होंने 80-90 रुपये जोड़े हुए थे। क्लीनिंग के टाइम पे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ वहाँ पे यूज़ होता है उसके भी उन्होंने पैसे जोड़े हुए थे, तो वो चीज़ मैंने इसमें से हटवाई थी बिल में से। और जो मेरा एग्जैक्ट बिल आया था वो आया था लगभग 4200 रुपये, और कटवाने के बाद भाई मेरा अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था भाई 4000 रुपये का बिल। उसके बाद बात करें जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग है वो मैंने बाद में कराई थी, तो आप मोटा मोटा मान लो गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो हुई है आपकी 5190 रुपये की, यानी 5200 रुपये की। तो ये मोटे मोटा भी खर्चा आया इसका जो 30,000 PMS की सर्विस थी। हाँ थोड़ा सा मेरे को कॉस्टलियर साइड पे लगी, इसके अंदर थोड़ा काम भी हुआ है कि इसके सस्पेंशन है उसमें थोड़ा सा काम हुआ था, मतलब वारंटी के अंदर ही हुआ जो भी, उन्होंने सारा कुछ चेक करके जैसा उनको सूटेबल लगा वो उन्होंने कर लिया। अब बात करते हैं भाई क्या मेरे को ये थोड़ी सी ओवर प्राइस लगी या नहीं लगी, या फिर क्या ये कॉस्टिंग मेरे को ठीक लगी या फिर नहीं लगी। मेरे को जो लेबर चार्जेस है वो थोड़े से मेरे को हायर साइड पे लगे, क्योंकि होता क्या जनरली ऐसा ना इतना कोई काम इसमें था नहीं, बस तेल बदला था और सफाई वगैरह हुई थी। हाँ ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, इसके अंदर आपके कैलिपर ग्रीसिंग वगैरह हुई है, ब्रेक पैड वगैरह क्लीन हुए हैं, ब्रेक शू भी क्लीन हुए हैं, इसके टायर रोटेशन वगैरह सारा काम हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, 5200 रुपये इसका बिल आया है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो भाई कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।